विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्यच्चान्यान् स्वतिविभवान् ज्योतिषास्येन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत पुनरन आत्मसौनस्तुरीय अथर्ववेदी मांडुक उपनिषद पर विचार करते हैं। अभी हम लोग आगम प्रकरण मतलब स्तुति के सहारे यहाँ पे ग्रंथ का ये दिखाना चाहते हैं कि सृष्टि होना संभव ही है। हमको ध्यान रखना है कि ये वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार कोई बार ही सृष्टि को प्रातिभाषिक मानते हैं, कोई बार ही सृष्टि को व्यावहारिक मान ज्यादा देते हैं, परंतु पारमार्थिक सत्य दृष्टि में ये सभी बातें मानते हैं। दो बात हमारे यहाँ प्रतिष्ठित है, एक है सृष्टि दृष्टिवाद, एक है दृष्टि सृष्टिवाद। समझ में आते हैं? सृष्टि दृष्टिवाद मतलब देखा तो सामने वस्तु दिखाई दे, नहीं देखा तो नहीं। क्वांटम भी लगभग ऐसे ही बोलते हैं कि क्वांटम कोलैप्स वन देयर इज नो ऑब्जर्वर, ऐसे ही मतलब आप है। होलोग्राफी भी देखिए, ये बोलते हैं कि एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर होलोग्राफी प्लेट के ऊपर रे के सहारे आप जिस वस्तु को उसको आरोप करेंगे तो स्पेस में आपको थ्री डायमेंशनल वस्तु दिखाई देगा, उल्टा पटेना लगेगा ऐसे। और उस प्लेट को आप कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, छोटा टुकड़ा में भी जो फोटो आप वो ही दिखेगा। प्रत्येक जीव इंडिविजुअली जो पोटेंशियली डिवाइन है, फुल पोटेंशियलिटी है, वो विज्ञान में सिद्ध होता है। थर्ड, जागृत अवस्था में जगत मिथ्या है ये हमको मानने में थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन तब हम क्या बोलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद, मतलब जगत है इसे मुझे दिखाई पड़ता है। अब बताओ जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या कब हम निश्चय करते हैं, जब हम स्वप्न से जग करके अलग होते हैं। यदि आप सृष्टि से बाहर जाकर के सृष्टि को देखते तब आपको सृष्टि की सच्चाई पता लगती। अब मान लो हम कहते हैं एक गाड़ी जो है 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर रफ्तार से जा रही है, परंतु पृथ्वी की जो अपना गति है 24,600 मील जो एक 24 घंटे में, तो ये जो गति जो है इस गति को उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। कब पता लगेगा आपको? जब आप पृथ्वी के बाहर जा करके देख पाओ। इसीलिए पृथ्वी के अंदर रह करके विज्ञान ये सिद्ध किया, ये भौतिक विज्ञान ये बताते हैं फिजिक्स, जो पृथ्वी के अंदर रह करके जो भी कुछ हम देखते हैं रिलेटिव है, पारमार्थिक नहीं है। अब जब आप पृथ्वी के बाहर जाओगे तब आप किसी भी वस्तु की गति परिमाप और भार ये तब सही निकल पाएगा, परंतु होना संभव यानी कि उसकी कोई पारमार्थिक स्थिति नहीं। विज्ञान की दृष्टि से देखने पर भी यही चीज दृष्टि सृष्टि बात मतलब क्या, देखा तो वस्तु है, मतलब अंतकरण को ही चेतन के साथ जब हम देखते हैं तब सृष्टि दृष्टि सृष्टि बात, और अंतकरण को ही छोड़ करके केवल चेतन के ऊपर देखते हैं तो सृष्टि दृष्टि बात, इतना ही भिन्नता मात्र है। दृष्टि सृष्टि बात क्या है प्रातिभाषिक जगत को बताते हैं, और सृष्टि दृष्टि बात व्यवहारिक जगत को बताते हैं, परंतु दोनों में ही आपका जो है कि जगत की पारमार्थिकता नहीं है वेदांतिक शब्द ने यही मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप भगवान भाष्यवाद ये इसके आधार पर श्रुति ने यहाँ पे क्या कहा, अयम आत्मा ब्रह्म। अब इस आत्मा ब्रह्म चतुष्पाद बोला, उसका पहला पाद को वर्णन करते हुए विराट पुरुष में ले गए, ऐसे कैसे कर दिया आपने? बोलता हमारा अभिप्राय है कि आध्यात्मिक और अधिदैविक जगत एक ही है। फिर शंका उठाए कि आध्यात्मिक अभिदैविक जगत एक है तो श्रुति के यहाँ पे केवल विराट को लेकर के बोल रहे हैं, मान ये भी होगा, परंतु तो आप फिर भगवान भाष्यकार बोल दिया कि हिरण्यगर्भ तेजस में भी एकत्र है और अव्यक्त और प्राज्ञ में मतलब ईश्वर और प्राज्ञ में एकत्र, ये कैसे हो सकता है, ये तो होना संभव नहीं है। उसको लेकर के आज हमारा पाठ शुरू है, कुछ फंडामेंटल में बता दिया, ये चीज़ हमने बताया उसी को सामने आएगा हमारे सामने, जब हम स्वप्नों को लेकर के पढ़ेंगे तब पता लगेगा, सपनों को लेकर के बढ़ने तक पता रहेगा कि दृष्टि सृष्टिवाद क्या होता है। दृष्टि सृष्टिवाद देखा का वस्तु है, नहीं देखा तो नहीं। अंतकरण को चेतन के द्वारा अपने संस्कार से हम देखते रहते हैं,
सृष्टि उसकी बात है ना। तो इसी को देखिए यहाँ पे आगे बोलिए कैसे आपने मान लिया, क्योंकि आज हम लोगों ने हिरण्यगर्भ और तेजस के एकत्व को देखने जाएंगे आगे सामने में। तो यहाँ पे कल इस पंक्ति को हमने पढ़ लिए थे पेज 21, जब मुखत विराज विश्वेन एकत्वम दर्शितम, श्रुति अपने शब्दों के द्वारा विराट पुरुष और जो है विश्व, मतलब विश्व मतलब कह जाएगा कि व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन को विश्व बोलते हैं, वो तो चेतन को ही रहा है, और समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन को विराट बोलते हैं। इन दोनों के एकत्व आपने लिखा, इन दोनों को जब एकत्व आपने दर्शितम तब तो ये जो एकता है ना हिरण्यगर्भस्य तेजसेन, तेजस 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 कौन हो गया, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन को तेजस बोलते हैं, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन को हिरण्यगर्भ बोलते हैं, ठीक है ना। हिरण्यगर्भ को उसके पीछे सूत्रात्मा भी ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, तो हिरण्यगर्भ तेजसेन। और फिर अंतर्यामिनश्च अव्यक्तितो उपहितस्य, एक अंतर्यामी अथवा अव्यक्त माया उपहित चेतन, यहाँ पे लाकर के उपहित शब्द बोला, अंतर्यामिनस्य अव्यक्त अंतर्यामी कौन है, अव्यक्त उपहित चेतन माया उपहित चेतन, ये हो गया अंतर्यामी अथवा। उसके साथ प्राज्ञेन सह एकत्वस्य उपलक्षणार्थ, वो प्राज्ञ मतलब हो जाएगा व्यष्टि अज्ञान उपहित चेतन, व्यष्टि अज्ञान उपहित चेतन को हम प्राज्ञ बोलते हैं, क्योंकि उसी में सारा चीज छुपा रहता है, जाति अभिव्यक्त होता है, इसी जाति बोलते हैं प्राज्ञेन सह एकत्वस्य उपलक्षणार्थम। अतः मूल ग्रंथे अभी, इसलिए मूल ग्रंथ में भी अविशेषण सामान्य रूप से अध्यात्म अधिदैविक और एकत्व विवक्षित है, आध्यात्मिक और अधिदैविक में एकत्व बोलना अभिप्रेत है। इति जब आप एक साथ एक को लय करोगे, जब आपका स्थूल गया तो सूक्ष्म जाएगा, कारण भी जाएगा, इसलिए बोलते हैं ये ध्यान रखना कब जाएगा, जब हम पृथ्वी पार्थिव वस्तु को पृथ्वी के बाहर से जा करके देख सकते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं त्रैगुण विषयाभेद निस्त्रैगुण भवति, और अपने आप बोलते हैं न तथस्थ पृथ्वी सत्य प्रकृति यही गुण, ये तीन गुण से बाहर सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो जब आप सृष्टि के अंदर रह करके सृष्टि को देखोगे, तीन गुण के अंदर ही देखोगे, गुणातीत अवस्था में आकर के आप सृष्टि को देखो, देखो सृष्टि है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि उपहितस्य प्राज्ञेन सह एकत्व सुपलक्ष, अतः मूल ग्रंथे अपि विशेष अविशेषेण अध्यात्म अधिदैविक एकत्व विवक्षते इति अद्वैत पर्यावसन सिद्धि, इसी से जो है अद्वैत के मन एक शुद्ध चेतन ही एकमात्र शेष रहेगा, ये सिद्ध हो जाता है। इति अर्थ यहाँ तक कल हमने पढ़ लिए थे, है ना, इति का कहीं तक अध्यात्म अधिदैवयोः जब एकत्वम यह उच्यते तन मधु ब्राह्मणे अपि दर्शितमिति आह, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे आध्यात्मिक अधिदैविक में एकत्व शब्द के द्वारा संक्षेप में बोला, विस्तार से इसको समझाया गया मधु ब्राह्मण में, विस्तार से इसको समझाया गया मधु ब्राह्मण में, उसमें भगवान भाष्कर जस्ट क्या में क्या बोला था, यम यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु यस्य पृथ्व्यां तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यम शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुषो सो अयम स यो यो अयम आत्मा अयमेव स यो अयम आत्मा अयमेव स। इतना लाइन नहीं दिया यहाँ पे केवल इतना ही दिया यस्य अस्यां पृथ्व्यां तेजोमय अमृतमय पुरुष यस्यम आध्यात्म, है ना। ये मतलब क्या हो जाएगा, अधिदैविक और अतिदेवी को समझने के लिए भूत तो चाहिए, भूत का स्थित रहता है वो, और आध्यात्म में एकत्व तो दिखाएगा, किस दृष्टि से दिखाएगा, वो जो तेजोमय अमृतमय पुरुष अंदर पीठ विद्यमान है ना, जस्य अयम पृथ्व्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष और जस्य अयम अध्यात्म तेजोमय शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स, ये वही है। जब ये स बोला ना तब ये अयमेव स उसके आगे श्रुति अपने आप बोलती है, अपने आप बोलते हैं इदम ब्रह्म इदम अमृतम इदम सर्वम, इसका मतलब है यही वो आत्मा, स्व बोल के मैस्कुलिन में प्रयोग किया, ये जो आत्मा है ना तेजोमय अमृतमय पुरुष की आत्मा है ना, यही ब्रह्म है। श्रुति आपने आप बोलते हैं यहाँ पे मैस्कुलिन में स्व प्रयोग किया, जो अयम आत्मा इदम अमृतम, यही वो मैत्री ने जिसको पूछा था, जो पहले कह करके आया उसको प्रसंगा में एक साथ दिखाना है, इदम ब्रह्म इदम अमृतम इदम सर्वम,
इदम सर्व कहाँ से आया? वो प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के किम तद ब्रह्म अभवत, किम तद ब्रह्म अवेद, जिन तक सर्व ब्रह्म को क्या जाना था। सो आत्मान में जो अवेद अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् तत् सर्व अभवत, ये जो सर्व है ये वही ब्रह्म है। एक फिर ये वो अजक्षत्र ब्राह्मण के शुरू में दीप्त बालक आकर कहा था वहाँ पे ब्रह्म ते ब्रह्मानिधि, ये उपघात है उसका उपक्रम है यहाँ पे, ये वही ब्रह्म है जिसके बारे में बाद मंत्र सूचि ने उपक्रम किया था वहाँ पे। और ये वही अमृत है जो मैत्री ने जाकर बल की हम तेन को नाम अमृत, ये वही अमृत है कौन जो यहाँ अंदर में पुरुष बैठ कहाँ दिखाए ये मधु ब्राह्मण में। श्रुति की शैली को पकड़ना है यहाँ पे, ये भाष्य का शिकार है कि देखो पूरा मधु ब्राह्मण के साथ मतलब इसीलिए उसका नाम ही मधु ब्राह्मण है। और मधुकांड है पहला दो अध्याय का नाम है मधुकांड, जाग्रवल्क कांड और खीर कांड, मुनि कांड भी बोलते हैं इसके। वेदकारण के छह अध्याय है, प्रत्येक दो दो अध्याय का अलग अलग नाम है। पहला दो अध्याय का नाम है मधुकांड, दूसरा दो अध्याय का नाम है जाग्रवल्क कांड और मुनि कांड, और तीसरा दो अध्याय का नाम है खीर कांड। इसका नाम मधुकांड इसलिए रखा गया कि इस मधु को समझाने के लिए इतना बड़का। तो ये जो मधुब्राह्मण ने क्या दिखाया गया, आध्यात्मिक और अधिदेवी का एकत्व दिखाया गया। उसी के हम बोलते हैं अध्यात्म अधिदेवी का योग जो अब एकत्व यहाँ उच्चते, जिस एकत्व को यहाँ पे कहा गया है तब मधुब्राह्मण आप ही बृहदारण्य उपनिषद मधुब्राह्मण में भी इसको विस्तार से कहा गया है। उक्तम मधुब्राह्मण ये बृहदारण्य 2:5:1 नंबर दिया है, नहीं दिया ना, ये बृहदारण्य 2:5:1 है ना, पहला ही मंत्र मधु ब्राह्मण का, द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण पहला मंत्र, यस्यैव संपृथिव्यं तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यैव अध्यात्म इत्यादि। अब प्रश्न होता है देखिए आगे टीका में आ जाइए, अधिदैवम अध्यात्मम च एकरूपम निर्देशम कृत्वा प्रतिपर्यायम अयमेव स इति अभेद वचना एकत्रम अत्र विवक्षितम इति अर्थ। मधु ब्राह्मण में जल पृथ्वी, जल तेज वायु, फिर विज्ञान, अल्टीमेटली विज्ञान बाहर में ढके अंदर में जो पुरुष, ये कई पर्याय में 14 पर्याय में उसको दिखाया, परंतु सब सब जगह पे एक कमन है अयमेव सः। चाहे आप पृथ्वी में देखे, चाहे जल में देखे, चाहे तेज में देखे, चाहे वायु में देखे, चाहे आकाश में देखे, चाहे आदित्य में देखे, चाहे चंद्रमा में देखे, चाहे नक्षत्र में देखे, अयमेव सः द्वि हाँ बताते हैं। इस प्रकार दोनों अध्यात्म का अधिदेविक का एकत्व को दिखाया गया कहाँ, वेदार्थक मधु ब्राह्मण। इसलिए अधिदेवम अध्यात्मम च एक रूपम एक रूपम निर्देशम कृत्य, एक रूप से निर्देश करके दो नंबर टिप्पणी में तेजोमय अमृत स्वयं तेजोमय अमृतमय पुरुष, इस प्रकार से वहाँ पर आया हुआ है। एनी अपे जस स्वयं पृथ्वी तेजोमय अमृतमय पुरुष, भाष्यकार उतने ही उद्धृत करते हैं, भाष्यकार एक भी शब्द अधिक नहीं बोलता, हम तो समझाने के लिए थोड़ा जोग लेते हैं। क्या कॉमन है, तेजोमय अमृतमय पुरुष, प्रत्येक भूत में अधिदेवक में अधि प्रत्येक जीव में सब में एक ही ये वही है, अयमेव स ये वही है, मतलब दिस इज दैट वेरी थिंग ओनली। कौन है वो जो सर्व है, जो ब्रह्म है, जो अमृतमय है, इस प्रकार श्रुति वहां पे लिखा। इसलिए बोलते हैं कि अधिदेवम अध्यात्म दो नंबर टिप्पणी से एक रूप मतलब तेजोमय त्वरि समान धर्मे न इति अर्थ, तेजोमय अमृतमय पुरुष इस प्रकार एक धर्मों के साथ उसको दिखा, निर्देशन कृत्या प्रति पर्याय प्रत्येक पर्याय में 14-15 पर्याय वहाँ पे दिखाया अलग अलग स्थान में, प्रति में अलग अलग स्थान में वहाँ पे कॉमन वर्ड क्या था, अयमेव स ठीक है ना, यस्यम अध्यात्म इसका आगे है शारीरम तेजमय अमृतमय पुरुष अयमेव स, ये मूल में है ना, तो यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे टीकाकार उसको दे रहे हैं अयमेव स, एक कोटेशन है किसमें है, मधु ब्राह्मण का शब्द है ये। इति अभेद वचन आदि प्रकार दोनों के अभिन्नता के कथन से एकत्वमत्र विवक्षितम, श्री अधिदेवी का आध्यात्मिक एक ही है ऐसा कहने यहाँ पे अभिप्रेत है। अब शंका उठाते हैं, ठीक है ननु विश्व विराजय स्थूल अभिमानित्वा, विश्व और विराट में आप एकत्व क्यों दिखाया, दोनों ही बहिष्प्रज्ञ स्थूल में अभिमान करने वाले हैं, जागृत स्थान मत्स्य बोल करके स्थूल अभिमानी क्षेत्र एक हम ठीक है, दोनों में एकत्व तो क्या दिखाया कि दोनों में समानता क्या है, स्थूल अभिमानी किसमें विश्व और विराट। अच्छा फिर तेजस में क्या दिखाया आपको, सूक्ष्म अभिमानी क्षेत्र तेजस हिरण्यगर्भ सूक्ष्म अभिमानी पर एकत्व, इसीलिए दोनों में एकता है, ठीक है ना, मिल गया टीका में
तेजस और हिरण्यगर्भ में एकत्र क्यों है? क्योंकि दोनों सूक्ष्म अभिमानी चेतन है, सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन व्यष्टि और समष्टि। हिरण्यगर्भ समष्टि, तेजस व्यष्टि, ठीक है। और उस समय तो आप अपनी तेज से सारा सृष्टि को देखते हैं, सारा इंद्रियों अपने समेट लिया और अपने प्रकाश से अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, श्रुति बोलती है अत्र अयम पुरुष, अपनी अपना स्वयं प्रकाश है आत्मा, इस स्वप्न में स्पष्ट पता लगता है। आत्मा भी स्वयं प्रकाश होता स्वप्न में ही पता लगता है, क्यों? क्योंकि आपने पूरा बत्ती बंद करके सोया, आपको दिन के प्रकाश में भी दिखाई देता है, रात के प्रकाश में भी दिखाई देता है, बिजली के प्रकाश में कोई बिल नहीं पेमेंट करना पड़ता। ऐसे बाहरी रात में अगर आप रात के प्रकाश में देखोगे तो बिल पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? सपने में जब आपने रात के प्रकाश में देख रहे हैं, हम उसके लिए कोई बिल पेमेंट करते हैं? केवल अपने संस्कारों के बिल है वहां, और कुछ नहीं देना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पे ये तेज शक्ति है उसकी, आत्मा की स्वयं प्रकाश होता है। यदि आत्मा स्वयं प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश कहाँ से आती, कैसे वस्तु प्रकाशित होता वहाँ पे? इति अभेद वचन एकत्र विवक्षितम इति अर्थ ननु विश्व विराजयो, विश्व और विराट इन दोनों का स्थूल अभिमानित्व एक कोमा कर देना वहाँ पे, ठीक है ना? तो आपको उनकी समझ में आ जाएगा, तो हम भी चाहते हैं कि आप भी पढ़ के अपने आप समझे, पंक्चुएशन ठीक होगा तो आप समझ जाएंगे। फिर पहले की पंक्चुएशन संस्कृत में सबसे परेशानी ये है, पहले केवल मात्र एक ही पंक्चुएशन था पूर्ण विराम, और कोई पंक्चुएशन नहीं, परंतु अभी तो धीरे धीरे लिखा तो लोग थोड़ा सा जो है इसमें पंक्चुएशन करते हैं हमारे सुविधा के लिए। इसी प्रकार तेजस हिरण्य गर्भयश्च सूक्ष्म अभिमानित्वात् एकत्व, ठीक है ना? वहाँ भी कॉमन करके ये कहना युक्तम के साथ, युक्तम तक ले जाना, ये कहना ठीक है, युक्ति संगत है, परंतु प्राज्ञ अव्यक्तितस्तु केन साधारण एकत्वम्। प्राज्ञ और तुम्हारा प्राज्ञ कौन है? अज्ञान को ही तो सुषुप्त चेतन, चेतन तो नहीं है सुषुप्त अवस्था में, और वहाँ पे जो अव्यक्तोपहित चेतन माया उपहित चेतन, प्राज्ञ और अव्यक्त इनमें क्या एकत्व है? जिससे आपने बोला कि दोनों एक है, स्थूल और सूक्ष्म में तो समझ में आता है, इसमें क्या एकत्व है? इसलिए बोलते हैं तु, परंतु प्राज्ञ अव्यकृतयोस्तु, मतलब प्राज्ञ और अव्यकृत इन दोनों में सब दोनों सृष्टि दिवन है, केन साधर्मेना, किस सामर्थ्य सधर्मता के कारण एकत्व, वहाँ पे एकत्व किस समानता के कारण आप मान रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं भाष्य में, सुषुप्त अव्यकृतयस्तु एकत्व सिद्धम एव निर्विशेषत्वात्। एकत्व क्यों है? दोनों में हर चीज बीज अवस्था में रहता है, कोई विशेषता समझ में नहीं आता, स्थूल में कुछ विशेषता समझ में आता है, स्वप्न में भी सब हम अलग अलग देखते हैं कुछ विशेषता समझ में आता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बीमार हो, शस्त्र हो, सभी व्यक्ति उठने के बाद एक ही चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वप्नों देख करके उठ के अलग अलग बोलेगा, जागृत में अलग अलग बोलेगा, परंतु सुषुप्ति में उठने के बाद सभी व्यक्ति एक ही चीज कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? कि सुखम अहम अश्वस्व न किंचित अभिदेश, ये जीव की यहाँ पे जीव तो समझ में आता है कि सब एक ही जीव है, एक जीव का, क्योंकि सब यहाँ पे क्योंकि उपाधि के कारण अलग हो जाते हैं, उपाधि छोड़ दो तो देखो एक ही आत्मा पता लग जाएगा, सभी में एक ही आत्मा है, वो स्वरूप के साथ एक होकर के सोते हैं, इसीलिए सभी एक ही अनुभव करते बात बोलते हैं, मैं आनंद से सोया था, कुछ भी नहीं जाना, क्या क्या सिद्ध किया वहाँ पे इस वाक्य के द्वारा? अपनी अस्तित्व मैं उस समय था, ठीक है, अपने अज्ञान की अस्तित्व मैं कुछ नहीं जाना, इसको मैं जाना, वो उसको अपनी ज्ञान स्वरूप तक भी सिद्ध कर दिया। हम सोचते हैं कि विषय रहने पर हमारा ज्ञान है, विषय नहीं रहने पर भी हमारा ज्ञान है, और तीसरा क्या है? वो एक आनंदमय शब्द है विषय, और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या सोचते हैं कि विषय के साथ संबंध से हमें आनंद होता है, विषय इंद्रिय संद्रिय बाद जब आगे अमृतपम अच्छा भी लगता है, परिणाम में विषय में तक राजसिक था, वो राजसिक भोग है, राजसिक सुख है वो, परंतु स्वरूप सुख जो है सात्विक सुख है, यहाँ पे किसी का अपेक्षा नहीं रहती है, सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं रहता हमारे पास, परंतु मैं अकेला ही रहता हूँ वहाँ पे और अज्ञान के साथ रहता हूँ, और अपने को नहीं जानने पर भी स्वरूप अज्ञान स्वरूप का साथ एक होकर के सोते हैं, इसलिए उठ करके बोलते हैं आनंद से सोया, इससे क्या सिद्ध होता है? स्वरूप आनंद है, निर्कुट करके नहीं बोलता कि मैं आनंद से सोया था, इसलिए आप बोलता है किस एकत्व को लेकर के आपने प्राज्ञ और ईश्वर अथवा अव्यक्त में एकत्व को कहा, बोलता है निर्विषयत्व को लेकर,
है ना, अव्यक्त अवस्था में भी है बीज वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्ति सोया हुआ है एक ही कमरे में और सब व्यक्ति गहरा नींद में लगा हुआ है, उस समय सबका स्थिति एक है, जगते ही सब अलग हो जाते हैं, जगते ही सबका व्यवहार अलग होने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि वहाँ पे निज विशेषज्ञ, वहाँ पे कुछ विशेषज्ञ समझ में नहीं आता, वहाँ पे किसी को ऊपर किसी के ऊपर कोई थूक दो, किसी को कुछ दो चार गाली दे दो, कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तादात होता नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं कि सुषुप्त अव्यक्तोस्तु और परंतु सुषुप्त और अभी दूर लगा के एकत्व से तो देखिए यहाँ पे तो स्थूलता स्थूल भोग के कारण समत्व है, तेजस में अथवा सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म भोग के कारण समत्व है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में क्या है, अज्ञान और निर्विशेषता ये समत्व है, और इस निर्विशेषता में ही एकत्व है, सविशेष में एकत्व होना संभव नहीं है, निर्विशेषम सुषुप्ते वर्तते। इस समय हम इसको प्राज्ञ मंत्र आएगा यहाँ पे, वहां पे सर्व विशेषम उपसंहित, सारा विशेष को अपने में उपसंहार करके, देखिए उपसंहित और उपसंहृत्य और उपहत्य मतलब एक को नाश करके और उपसंहार करके, दोनों में क्या भिन्नता हुआ, सारा चीज को अपने मतलब नाश करके और सारा चीज को अपने उपसंहार करके, समेट करके मतलब आप अपने में बीज अवस्था में सब कुछ बना के रखा और उपसंहृत मतलब नाश करके मतलब कह जाएगा कि उसका बीज तक भी नहीं रहेगा, उसका बीज तक भी नहीं रहेगा। सुषुप्ति में और ज्ञान में ये भिन्नता है, सुषुप्ति के द्वारा हम ज्ञानी पुरुष के अवस्था को समझाते हैं, दृष्टांत बना करके सुषुप्ति को दृष्टांत देते हैं कि विषय रहित अवस्था में भी तुम सुखी हो, परंतु भिन्नता क्या, सुषुप्ति और ज्ञान में भिन्नता ये है मतलब जागृत को यदि आप सुषुप्ति बनाओगे तो आपका जागृत का बीज नष्ट हो जाएगा, और प्रारब्ध में सुषुप्ति में जाओगे तो जागृत का बीज नष्ट नहीं होगा, रह जाएगा वहां पर, समझ में आ रहा है। ये जागृत काल में साधन करते हुए यदि जागृत काल में रहते रहते सुषुप्ति का अनुभव कर पाते हो मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से इंद्रियों से तादात्म्यता छूट गया अपने स्वरूप में बैठ सकते हैं, उस समय जब जागोगे तब सारा सृष्टि का बीज नाश हो जाएगा, दोबारा भी शरीर प्राप्त नहीं होगा, प्रारब्ध के कारण कुछ दिखेगा, और अब प्रारब्ध के कारण जब सुषुप्ति में जाते हैं तब सारा बीज अपने में उपसंहार करके जाते हैं। इसी प्रकार से ये हम लोग चार प्रकार की प्रलय मानते हैं, एक होता है नित्य प्रलय, एक होता है नैमित्तिक प्रलय, एक होता है आपका अवान्तर प्रलय नैमित्तिक प्रलय, और एक महाप्रलय आत्यंतिक प्रलय। तो वहां पे क्या हो गया कि नित्य प्रलय मतलब जो हम रोज सुषुप्ति में जाते हैं, और नैमित्तिक प्रलय मतलब होता है जब हमारे ब्रह्मा जी सो जाते हैं, ठीक है ना, और ब्रह्मा जी का जब एक काल आयु पूरा हो जाता है महाप्रलय होता है, और एक है आत्यंतिक प्रलय। महाप्रलय में भी सब बीज अवस्था में रहता है, परंतु आत्यंतिक प्रलय में क्या होता है बीज तक नाश हो जाता है, वो ज्ञान से होता है, ज्ञान से आत्यंतिक प्रलय हो जाता है ना, क्योंकि वहां पे बीज तक नाश हो जाता है। और यही मांडू को कार्यकर का सिखा है, यहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति को माध्यम क्यों बनाया, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से आप तुरीय में पहुंच सकते हो। आप बताओ ये सुषुप्ति में जाने के लिए एक है प्रारब्ध जनित सुषुप्ति और एक है जागृत से सुषुप्ति में पहुंचना, साधन जनित सुषुप्ति के माध्यम से हम तूर्य में पहुंच सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, साधन जनित सुषुप्ति से हम, क्योंकि इसी को माध्यम बनाया पाद और मात्रावाद को दिखा करके शास्त्र पर, यहाँ पे मुख्य मांडू को कार्यकर मेन चीज यही है। एक है प्रारब्ध जनित सुषुप्ति को दृष्टांत बनाया, प्रारब्ध जनित सुषुप्ति को दृष्टांत बना करके दिखाता है, देखो तुम विषय रहित अवस्था भी तुम्हारा अस्तित्व रहता है और तुम आनंद में रहते हो, तभी तुम सुषुप्ति की कामना करते हो, तुम्हारे साथ कितने भी भोग वस्तु दे दिया जाए 24 घंटा के बाद तुम 2-3 घंटा बाद ही बोलोगे थोड़ा आराम कर लेते हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं, और
जागृत काल में यदि आप सुषुप्ति में चले जाएंगे तब क्या होता है, वहां पे बीज तक नाश हो जाता है। फल तो क्या होता है, फिर वहां से जागृत होने के बाद फिर तादात्म्यता नहीं होती संसार के साथ। ये जो मैं पहले शुरू किया था कि आप संसार को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार सात्विक वस्तु को ठीक से समझने के लिए स्वप्न से बाहर आना पड़ता है, ठीक जागृत वस्तु को ठीक से, प्रार्थिक वस्तु को ठीक से समझने के लिए आपको जागृत से बाहर आना पड़ेगा, जागृत से अजागृत अवस्था में रह करके सुषुप्ति में आना पड़ेगा, तब आप जागृतिक वस्तु को ठीक से अनुभव करते हैं। विज्ञान भी सिद्ध करता है, बोला कि प्रार्थिव कोई भी वस्तु को जिस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, विज्ञान भी बोल रहे हैं इसका यथार्थ रूप नहीं है, इसका परिणाम भार और गति एक ऐसा नहीं है, सब भिन्न, इसीलिए उस रूप में देखने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राज्ञ सर्वम और विशेषम उपसंहृत। प्राज्ञ अवस्था में क्या होता है, समस्त विशेष को अपने में उपसंहृत निर्विशेषण सुषुप्ति वर्तते है। प्राज्ञ क्या होता है, समस्त विशेष को अपने में उपसंहार करके निर्विशेष रूप में सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान रहना है। यहाँ पे केवल इतना भिन्नता होगा, विशेषण उपसंहृत वहाँ पे हम विशेषण सर्वथा त्यक्त अथवा उपसंहृत ने उपसंहृत्य उसको मार कर, उसको पूरा मार कर, जो आप सुषुप्ति एक दिन में नहीं होगा, वो ऐसे प्रणब्ध जो नहीं सुषुप्ति में तो रो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते पूर्व जन्म जनित जो पाप क्षय होने पर अचानक ईश्वर के पास जागृत सुषुप्ति जैसा स्थिति आपको प्राप्त कर सकते, वो हो गया निर्विशेष सुषुप्ति वर्तक। प्रलय दशायाम अव्यक्तम च निशेष विशेषम स्वात्मा उपसंहृत निर्विशेष रूपम तिष्ठति, कमा करते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। सुषुप्ति में और प्राज्ञ और अव्यक्त ईश्वर में क्या समानता है, दोनों निर्विशेष स्थिति को लेकर के बोल रहे हैं, विशेष करके ही समझा रहे हैं। मैं यहाँ पे आनंद गिरी जी का यह देह है कि एकत्व तो तुम कब समझ पाओगे, अपने सारी विशेषता को छोड़ दो, अपनी सारी विशेषता को छोड़ दो, कहां तक कि मैं एक मनुष्य हूं, जब ये छोड़ पाओगे तब जाके इसके ऊपर एक मन जो तो फाउंडेशन है उसके ऊपर तो नाजन कितना मंदिर हमने चढ़ाया, ये सारा विशेष को जब आप तोड़ देंगे तब आप एकत्व ये जागृत नहीं होना संभव है। जागृत में साधन होता है, स्वप्न सुषुप्ति में साधन नहीं होता है ना, इसीलिए आप बोलते हैं प्राज्ञ ही सर्वम विशेषम उपसंहृत निर्विशेषम सुषुप्ति वर्तते। प्रलय दशायाम अव्यक्तम च, प्रलय अवस्था में है महाप्रलय में अव्यक्तम च निशेष विशेषम, समस्त विशेष को समस्त निश्चेष मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता, सारा चीज को निश्चेष मतलब विदाउट एनी रिमाइंडर है ना, विशेषण स्वात्मा उपसंहृत तो अपने में उपसंहार करते निर्विशेष रूपम तिष्ठति, और निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते तीन, ये दोनों में समस्त उत्तम सामर्थ्यम पुरधाय, ये जो साधर्म को हमने लिखा उत्तम साधर्म्यम पुरधाय, मतलब इन दोनों सधर्मता को एक धर्मता को सामने रख करके त्रयोर ऐक्यम, इन दोनों का किन दोनों का प्राप्य और ईश्वर की एकत्व को अविरुद्ध में कोई विरोध नहीं है, इति अर्थ। देखिए हर जगह पे एकत्व दिखाने के लिए वो समानता को दिखाए, विराट पुरुष के साथ एकत्व किस लिए है, स्थूल स्थूल वस्तु को लेकर के एकत्व, स्थूल भूख को लेकर के, हिरण्यगर्भ के साथ एकत्व किस लिए है क्योंकि सूक्ष्म वस्तु को लेकर के, वास्तविक एकत्व किसमें है निर्विशेष में एकत्व, और ये एकत्व अगर निर्विशेष एकत्व अगर समझ में आ जाए तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर रहने पर भी तो एकत्व बना रहता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाती है, ब्राह्मी स्थिति है। इसी के यहाँ पे बोलते हैं कि पुरोधय कि ऐक अविरुद्धम इति अर्थ, ये हो गया अध्यात्म अधिदैवयोर एकत्वे प्रागुक्त न्यायेन प्रसिद्धे सति उपसंहार प्रक्रियया सिद्धम अद्वैतम इति फलितम। देखिए यहाँ पे एक शब्द बीच में बोल दिया, किस समय अद्वैत सिद्ध होगा, यदि आप ठीक से उपसंहार कर पाते हैं तो आप अपने आप सोचिए मैं कहाँ तक फैलाया अपने को, वहां तक के नाम रूप को उपसंहार कर दो आप वहां तक की आपकी विस्तृति बनी रहेगी, विस्तृति बनी रहेगी। इसको कहते हैं अध्यात्म अधिदैवयोर एकत्वे, अध्यात्म और अधिदैव इन दोनों एक होते हुए प्रागुक्त न्यायेन प्रसिद्ध सति, जैसा जिस युक्ति के द्वारा हमने यहाँ पे दिखाया वहां पे इसके द्वारा वो एक प्रसिद्ध सति उक्त न्याय एक होते हुए भी उपसंहार प्रक्रिया, आप अद्वैत का सिद्ध होगा उपसंहार की प्रक्रिया,
मतलब अध्यारो प्रक्रिया में एकत्व सिद्ध नहीं, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। अध्यारो प्रक्रिया में भेद ही दिखेगा आपको, उपसंहार अपवाद प्रक्रिया में जाकर के अद्वैत सिद्ध होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि उपसंहार प्रक्रिया या उपसंहार की प्रक्रिया में, मैं इस शब्द को देखो, उपसंहित्य और उपसंहार है ना, दोनों ही धातु है। उपसंहार मतलब जब तक आप अपने समय से रखते पूर्व संहार कर देना, मतलब नाश कर देना, जो बीच बीच को नाश हो जाता है सिद्धम अद्वैतम, तब जाकर के अद्वैत सिद्ध होता है। इति फलितम आह, इसी को मन में रखते हैं, एवं जस्यति एतत् सिद्धं भविष्यति, तभी जाकर के ये सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा? सर्व द्वैत उपशमे च अद्वैतम, द्वैत प्रपंच के उपशम होने पर जो शेष बचता है वही अद्वैत है। अद्वैत प्रपंच उपशना उपशम मतलब वहाँ से माइंड विक्षण हो जाने पर, द्वैत प्रपंच नाश क्षति नहीं बोल रहा है, क्योंकि द्वैत प्रपंच को आप नाश नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नहीं बनाया उसको। द्वैत प्रपंच क्या हो जाएगा? माइंड विड्रॉ हो जाएगा, आपका नाम रूप का साथ मन फिर तादात्म नहीं करेगा। नाम रूप के साथ वो अपने स्वरूप के साथ तादात्म होकर मन नहीं जाएगा, फलों तो क्या हो जाएगा, फिर तो स्वरूप तो सब एक ही है, वो एकत्व का अनुभूति में रहेंगे, एक ब्राह्म स्थिति में रहेंगे। सर्वद्वैत उपशम में जो अद्वैतम इति है ना, इसे क्या बोलते हैं, समस्त द्वैत प्रपंच उपशम होने पर फिर अद्वैत अपने भी स्वयं सिद्ध होते हैं। तच्च अद्वैतम, आप देखिए एक चीज यहाँ पे, सर्वोपशम द्वैत उपशम में च अद्वैतम, चकार एक पद दिया हुआ है। आनंद जी बोल रहे हैं जितना जी विचार कर लो, कुछ भी कर लो, गुरु कृपा वैश्य कृपा भी नहीं होना नहीं। इतना लॉजिक के साथ बोलते हुए भी ये अनुभव जो है ये गुरु कृपा ईश्वर के वश, इसलिए भगवान भाष्यकर को चकार पद दिया हुआ है। चकार पद नहीं दिखा रहे, सर्वद्वैत उपशमे च अद्वैतम, ये देखिए चकार का क्या अर्थ है, तच्च अद्वैतम प्रतिबंध ध्वंस मात्रेण न स्फुरति। प्रतिबंध ध्वंस आपका ठीक है, विचार करते करते आपका द्वैतम सत्यत्व, किंतु इतना मात्र से मैं बोला ना, ये ज्ञान अंदर पुस्तक ही ज्ञान नहीं है, एक अंदर की अन्न वस्तु है। पुस्तक के ज्ञान के द्वारा आपके ठीक है ध्वंस, उसके बाद एक अन्न नया चीज निकलते हैं अंदर से, उसलिए बोलते हैं, किंतु वाक्यात एव आचार्य उपदिष्टा, गुरु मुख से श्रुति वाक्य को सुन करके उस वाक्य के साथ गुरु कृपा के आपके अंदर प्रवेश करते हैं, तब उसका स्फुरन होता है। अपने आप कितने भी हम तत्वमसि माँ बाप को पढ़ लें, वो हमारे सामने हमारे अनुभव के लिए उतना पर्याप्त नहीं, उत्तम अधिकारी हो बात अलग है, उत्तम जो जन्मांतर में किया हुआ है इससे हो सकते होते हैं। तच्च अद्वैतम प्रतिबंध ध्वंस मात्रेण न स्फुरति, वो जो अद्वैत ठीक है आपका प्रतिबंध ध्वंस मात्र से, मतलब विचार पूर्वक आपने जो है अपना इसको नाम रूप में से सत्यत्व पूर्ति हटा दिया, कोई बात नहीं, किंतु इतने मात्र वो जो अद्वैत है ना, अद्वैतम न स्फुरति, वो भेद रहित की जो पारमार्थिक स्थिति वो स्फुरित नहीं होगा। कब होगा? किंतु कब? वाक्यात एव आचार्य, आचार्य उपदिष्टात वाक्य, केवल वाक्य नहीं बोला, आचार्य उपदिष्टात वाक्य, मतलब देखिए किसी व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते करते ये हम समझ नहीं पाते हैं कि जब वो व्यक्ति कुछ बोलते हैं किसी को कुछ करने के लिए, हो सकता है थोड़ा कठिन हो, परंतु उसके साथ उनका कुछ आशीर्वाद भी जाता है ताकि ये व्यक्ति उस काम को कर पाए। ये चीज ऊपर नहीं दिखाई देते हैं, यदि थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि होता है तब पता लगता है कि क्या इसके संदर्भ क्यों बार बार बोल रहे हैं कि गुरु उपदेश गुरु वाक्य से ये होता है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुरु जी जब हमको कुछ करने के लिए बोलते हैं और देखती है कि हाँ इसके अंदर सामर्थ्य है, भगवान जी अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं महावाहो, ये सब शब्द भारत, इस शब्द संबंध क्या मतलब, इसके अंदर देख लिया सामर्थ्य है, तब क्या है वो उसके साथ उस वाक्य के साथ उनके आशीर्वाद भी जाते हैं उसके, वो ये सूक्ष्म वस्तु है, मतलब जो आप अनुभव करेंगे बाद में ईश्वर के पास, यदि इसका अनुभव होता है तब पता लगता है कि अरे अचानक ये कैसे हो गया, इतना तो हमने प्रयास नहीं किया था, तब पता लगता है कोई एडिशनल एक कृपा होती है, परंतु वो ऐसा नहीं होगा, आपकी प्रयास चलते रहे, प्रयास चलते चलते जब देखेंगे कि हाँ अभी योग्य हो गया, तब आपका पूर्व पूर्व की तो दूरी तो क्षय हो गया, तब ईश्वर के पास गुरु बात को सुन करके उचित स्फुरित होता है, ऐसा स्फुरित होता है। इंटेलेक्चुअली किंतु गुरु निष्ठा को नहीं छोड़ते,
चाहे शंकराचार्य कोई देख लीजिए उसकी परंपरा से पूरा देख लीजिए। ये जो निष्ठा एक है परंपरागत निष्ठा वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। अभी तो इतना गौर पदाचार्य की इतना स्तुति करके लिखते हैं पंचांग में, यहाँ तक हो गया। तीन नंबर टिप्पणी कहाँ दिखाई पड़ रहा है, विशेषण से छोटे छोटे तीन नंबर प्राग ही सर्व विशेष नीचे से चौथा लाइन पे मिला सुषुप्त जहाँ में प्रतीक है ना उसके ठीक आगे देखिए प्राग ही विशेषण स्थूल सूक्ष्मात्मक भेद जातम इति अर्थ स्थूल सूक्ष्मात्मक जो भी कुछ भेद हमने स्थूल भेद कहाँ पे दिखा है विराट में, सूक्ष्म भेद कहाँ पे दिखा है तेजस में हिरण्यगर्भ में, ये सारा भेद को मिटा करके जब अपने स्वरूप में आते हैं तब जो है ये प्राज्ञों की और ईश्वर की एकत्र सिद्ध होती है। इस प्रकार से हमारा पहला पाद ठीक है ना, आप समझ लेना मैं एक कदम तुरीय की ओर आगे बढ़ गया, एक कदम तुरियों की ओर, क्योंकि इस पाद के ऊपर चल करके हम तुरीय तक पहुंचेंगे तीन पाद में पहला पाद, इसलिए तो इतना विचार से विस्तार से बोल रहा। ये विचार शैली आप जब तक विचार के द्वारा इसको स्पष्ट नहीं होगा ये जागतिक वस्तु जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इसके पारमार्थिकता यहाँ पे रहेगा कि समझना संभव नहीं है। यदि इससे बाहर आ पाते हैं तब हमको पारमार्थिकता समझ में आएगा। ये कथन करने के बाद आपको मैंने पहले भी बताया था कि जीवन की उन्नति के लिए अथवा आगे बढ़ने के लिए आप जो है वर्तमान को देख करके अतीत में मत जाओ, वर्तमान को देख करके आगे की बढ़ने का रास्ता सोचो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ अतीत से क्या करते हैं लय की प्रक्रिया में जाएंगे कि इसके कारण ये हुआ था तो उसको होने नहीं देंगे, भविष्य में उसको होने नहीं देंगे, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं। ये चौथा मंत्र, चौथा मंत्र को लेकर के यहाँ पे बोलते हैं द्वितीय पादम टीकाकार बोलते हैं द्वितीय पादम अवतार्य व्याचष्टे, द्वितीय पाद का अवतरण करते भगवान वत्सल व्याख्या करें। द्वितीय पाद में बोलते हैं देखो स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः, स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः, सप्तांगो एकनो विंशति मुखः, सप्तांगो एकोन विंशति मुखः, तैजस तैजस प्रविभक्त भुक् तैजसो द्वितीयः पादः, तैजसो द्वितीयः पादः, स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः, सप्तांग एकोनविंशतिः, तैजसो द्वितीयः पादः, स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः, सप्तांग एकोनविंशतिमुखः, प्रविक्तभु तैजसो द्वितीयः पादः। अभी एक कदम आगे बढ़ा है। अब क्या बोलते हैं स्वप्नस्थान, पहले बोला था जागृत स्थान, वहां पे क्या बोलता है जागृत अभिमानी चेतन, एक अभिमान है हमारा स्वप्न स्थान तो अभिमान है, स्पष्ट समझ में आता ही है क्योंकि कुछ भी वहाँ पे वस्तु नहीं है, मैं सब बना लेता हूँ। स्वप्न स्थान वहाँ पे जागृत में क्या बोला था आप एक चीज समझना, एक कथन की मतलब किसी चीज़ को समझाने का शैली क्या होता है, मैं कई चीज़ खोल के अभी आपके सामने रखता हूँ। मैं आप कहना चाहता हूँ कि एक कुटिया, अब कुटिया क्या होता है यदि हम ये समझाना चाहते हैं तो आपको किसी के साथ इसका सादृश्य है किसके साथ इसका विषय दृश्य है जो हमारे बुद्धि में है वो दोनों बोलना पड़ेगा। एक मकान कुटिया हमने बोला, कुटिया बोलने से किसके साथ इसका सादृश्य है किसके साथ इसका विषय दृश्य है, क्योंकि महात्मा में कुटिया शब्द प्रसिद्ध है ना, तो ये आपको दोनों बोलने से समझ में आएगा। हमने एक शब्द प्रयोग किया मैंने मान लो व्यापक, व्यापक शब्द प्रयोग किया, ये शब्द प्रयोग में हम किसको ग्रहण करना चाहते हैं किसको छोड़ना चाहते हैं दोनों बताना पड़ते हैं तब समझ में आएगा। समझ में आता है कि स्वधर्म विधर्म वैधर्म दिखाने का अभिप्राय क्या होता है कि किसको ग्रहणीय है और कितना त्याज्य है। हमने कुटिया बोला, अब बताइए दोनों स्वधर्मता क्या है। कुटिया को समझाने के लिए आप उसी मकान को, क्योंकि कोई नया व्यक्ति आया हुआ है तो कुटिया क्या होता है महाराज, अरे भाई जहाँ पे लोग रहते हैं जैसे अट्टालिका प्रासाद मकान रहने की धर्म समान है, कुटिया में भी मकान में भी रहने की धर्म समान है।
परंतु अट्टालिका अथवा मकान अथवा होटलों में वहाँ पे क्या होगा, आजकल क्या होगा, आपको ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम, अटैच लैट्रिन बाथरूम, ये सब मिलेगा, सब चीज़ सुविधा मिलेगा। परंतु कुटिया में क्या है, कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको बिजली पानी भी ना मिले, लैट्रिन बाथरूम तो बाहर जाना ही पड़ेगा। हो सकता है पहले तो बिजली पानी भी नहीं मिलता। यदि आप तपोवन मठ से कुटिया को देखेंगे, अभी भी तीन महीने में समझ के प्रोटेक्ट कर वैसे ही रखा हुआ है, तो आपको पता लगेगा कुटिया क्या अवस्था है। तो आपको कोई चीज़ को समझाने के लिए, आपको कोई चीज़ एक नया वस्तु समझाने के लिए, उस ठीक से हमको क्या कहना पड़ेगा, उसका जो हमारे बुद्धि में बैठा हुआ जो किसी वस्तु के साथ सादृश्य वो भी बताना पड़ेगा, और उसके साथ विधर्मता क्या है, मतलब असादृश्य क्या, विषादृश्यता क्या है, वो भी बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में बैठेगा। ये किसी को कोई चीज़ को समझाने के लिए ये चीज़ को ध्यान रखना था। आपका कोई शब्द आपने प्रयोग किया, उस शब्द प्रयोग के द्वारा क्या ग्रहणीय है क्या त्याज्य है, दोनों बताना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा। ये वेदांत तो नहीं पढ़ने से, ठीक से ध्यान नहीं देने से आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं। ये कोई पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, इट्स टू अंडरस्टूड योर। अब यहाँ पे आनंद के लिए थोड़ा एक दो शब्द बोलेगा, उससे आपको पकड़ना पड़ेगा। अब हम कहाँ से किससे क्या समझाना चाहते हैं, जागृत से हम स्वप्नों को समझाना चाहते हैं, ठीक है ना, जागृत से हम स्वप्नों को समझाना चाहते हैं। तो दोनों जगह पे जो जो ज्ञान होता है हमारा, प्रज्ञता व ज्ञान दोनों जगह पे समान है, परंतु जागृत में क्या है, बहिष्कृत है, और यहाँ पे क्या है, अंतस्व विधर्मता। ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या मैंने जो आपको ऊपर से समझाया, ये हमको श्रुति से समझ में आया, कैसे समझ में आया, जागृत में भी ज्ञान होता है, स्वप्न में भी ज्ञान होता है, अट्टालिका में भी रहते हैं, प्रसाद में भी रहते हैं, कुटिया में भी रहते हैं, रहने के धर्म दोनों जगह पे समान है, ज्ञान होने के धर्म दोनों जगह पे समान है, ठीक है ना। परंतु जागृत काल में अनेक वस्तु मिल करके इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से विषय होता है, आपका ज्ञान होता, ठीक है ना, बोला था बहिष्प्रज्ञ। और यहाँ पे तो अंत, यहाँ पे मतलब क्या है, आपको इंद्रिया भी नहीं है, विषय भी नहीं है, फिर भी ज्ञान हो रहा है, ये हो रहा है विषादृश्यता, इसे बोला अंत, ठीक है ना। वो बहिष्प्रज्ञता एक अंत प्रज्ञता, देखिए भिन्नता कहाँ पे, प्रज्ञता एक ही है, एक बहिष् में एक अंत में, समझ में आ रहा है। इस चीज को समझेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, किसी एक नया वस्तु को समझाने के लिए पहले जो कहे कह रहा है उसके साथ क्या सदृश्यता है, वो हो गया प्रज्ञता, और विषय दृश्यता क्या है, एक बहिष् विषयता एक अंत, ठीक है। अब तब व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या कहना चाहता है, यहाँ से आपका विचार शैली खुल जाएगा। मैं पहले बोला मांडू को एक ऐसा वस्तु है, इसको ठीक से पढ़ेंगे विचार करेंगे तो जागृतिक दृष्टि आपका खुल जाएगा, ज्ञान तो ईश्वर के पास होगा वो बात अलग है, मांडू दृष्टि निश्चित खुल जाएगा आपको, शास्त्र के कहना चाहते। सप्तम स्थान अंत प्रज्ञ, बाकी देखिए सप्तांग एक अंग विंशति मुख, ये वही है, सब सात अंग वाला है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अकेला कभी नहीं रह पाता, कोई व्यवहार नहीं कर पाता। यहाँ तक भी जब जागृत स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होकर के परलोक गमन करते हैं, उस समय भी वो भूत सूक्ष्म के द्वारा परिवेष्टित होकर, मतलब स्थूल भूत के द्वारा परिवेष्टित होकर जाता है। जो यहाँ पर सप्तांग है वही सप्तांग वही परंतु यहाँ पे वहाँ पे केवल जिस प्रकार सर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे स्थूल है, परंतु सर के अंदर जो अंदरूनी वस्त्र सूक्ष्म वस्त्र बुद्धि अंतकरण से बुद्धि को लेकर के वहाँ पे, और आपको जो कारण है एकोनोविंशति मुख वही है, यहाँ पे कोई भिन्नता नहीं है। एकोनोविंशति मुख देखो, स्थूल शरीर को दिखाते समय एकोनोविंशति मुख कारण के रूप में दिखाया था, सूक्ष्म शरीर को दिखाया था, स्थूल शरीर को दिखाते हुए सूक्ष्म शरीर को दिखाया था, क्या दिखाया था कि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये एकोनोविंशति मुख, ठीक उसी प्रकार से वो एकोनो मतलब दोनों मिलकर के स्थूल सूक्ष्म एक सब मिलकर के काम करता है, परंतु यहाँ पे स्थूल शरीर परा रहता है काम नहीं करता। जागृत काल में स्थूल सूक्ष्म मिल, परंतु वहाँ पे स्थूल शरीर परा रहता है, वो शरीर वहाँ सोए बिना आप स्वप्न नहीं देख सकते, ठीक है ना, उस शरीर को स्थिर किए बिना, इंद्रियों को बंद किए बिना आप स्वप्न नहीं देख सकते, ठीक है ना। स्वप्न देखने के लिए आप चश्मा पहन के सोते हैं कि नहीं, इन्हीं के सपना किसी इंद्रियों से नहीं देखते, इस इंद्रियों को देखते सपना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सपना चश्मा पहन के सो रहे भाई, सपना पर चश्मा पहन के क्यों सो रहे, ये तो सपना कैसे देखेंगे माता जी, ऐसा बोलेंगे तो मानेंगे,
यानी कि वो यहाँ पे इन इंद्रियों काम नहीं करता, परंतु इसी समान सादृश्य इंद्रियों का बना लेते हैं, है ना। इसे सप्तांग एक अनुभिक्षेत्र को ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीर अपनी कल्पना के अनुसार स्थूल शरीर बना लेते हैं। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग होता है, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, वो जब शरीर अंतर में जाता है, उस समय जो भूत सूक्ष्म के अंदर परिवर्तित होकर जो प्रोटेक्ट दैट सूक्ष्म, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। वो जाकर के अगला शरीर में हमें संस्कार को ले जाता है। वो जिस प्रकार की कुत्ता बिल्ली मनुष्य देवता कुछ भी शरीर मिलेगा, वो संस्कार जागृत करने के लिए भूत सूक्ष्म मदद करते हैं, जो हम इस शरीर में रह करके प्राप्त किए हैं। ये तीन ध्यान रखना, इसीलिए सप्तांग एक अनुभिक्षेत्र को दोनों एक साथ मिलकर के देखते हैं। फिर क्या बोलते हैं, प्रविदिक्त भूख बीच पृथक भावे धातु है, थर्ड कॉम्बिनेशन का, वहाँ पे डिजिटल रूप है विक्त और प्र और बी दो उपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल अकेला। विविक्त देश से वित्तम अरती जनसंसदी आता है भगवद गीता में, विविक्त बिल्कुल अकेला रहना, प्रविविक्त भूख बिल्कुल अकेला रह करके भूख करना, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं अत्र यम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति असंगो ही अयम पुरुष, वेदा को कई बार आएगा ये प्रविविक्त भूख। प्र और बी दो उपसर्ग लगा हुआ, बीच पृथक भाग्य धातु, उसमें तो प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय विक्त प्रविविक्त बिल्कुल अकेला अथवा सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म, दोनों अवस्था में इसका होता है कि बिल्कुल अकेला रहेगा अत्यंत सूक्ष्म वस्तु और कुछ नहीं रहता वहां पर। एक बार संस्कार ले जाता, संस्कार के द्वारा इतना उद्भूत हो जाता है वो, उस संस्कार के बाहर नहीं आ पाता, अपनी चेतना तक विस्तृत नहीं कर पाता, जैसा संस्कार का उतना ही महत्व करता है। जागृत में सुविधा नहीं, जागृत में सुविधा अपनी चेतना तक विस्तृत कर सकते हैं, बदल सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसी तभी जाकर के प्रारब्ध बदल सकता है, मतलब तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं प्रविविक्त भूत, इसका नाम क्या है, उसका नाम था वैश्वानर, और इसका नाम है तेजस, मतलब तेज से संबंध तेजस से बन गया तेजस प्रत्यय हुआ वहाँ पे, तेजस मतलब इसका नाम है तेजस, मतलब क्योंकि ये तेज मात्रा से बनते हैं। सूक्ष्म शरीर आप देखिए, सूक्ष्म शरीर कैसे बना, समस्त भूत सूक्ष्म से बना हुआ है, भूत सूक्ष्म का सात्विक अंश से बना हुआ है ना, अब तम मात्राओं से बना हुआ है, और उसमें से क्योंकि यहाँ पे केवल दर्शन मात्र होता है, ये है आपका दृष्टि सृष्टि बात। दृष्टि सृष्टि बात में क्या है, अंतःकरण उपहित चेतन के साथ ही दिखाई देगा। पहले दृष्टि सृष्टि बात में क्या हो जाएगा, अंतःकरण उपहित चेतन संस्कार के साथ मिलकर के दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम तेजस बोलते हैं, क्योंकि अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए दिखाई देते हैं। ये हो गया इसका द्वितीय बात, आप एक कदम तुरीय को आगे ले जाने के लिए इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। सामान्य अर्थ तो बोल दिया, ये स्वप्न अवस्था क्या है, तो उसको लेकर के दो परिभाषा जो हमको ब्रह्मसूत्र पाठ करते हुए मिला था भाष्य का, क्या है इन स्वप्न अवस्था के किसको बोलते हैं, इंद्रियाणाम उपरते मनो अनुपरतम यदि, क्या बोला मैं, इंद्रियाणाम उपरते मन अनुपरतम यदि सेवते विषयानेव तद्विद्यात् स्वप्न दर्शनम। स्वप्न दर्शन किसको बोलते हैं, इंद्रियाणाम उपरमे मन अनुपरमे यदि, मन तो उपरत नहीं हुआ, ठीक है ना, सेवते विषयानेव, अभी विषय को भोग करते हैं तद्विद्यात् स्वप्न दर्शन, हम विषय भोग करने के लिए हमको इंद्रियों चाहिए सोचते हैं, परंतु एक केवल मन के द्वारा भी हम भोग करते हैं इंद्रियों को, मनोगत भी बना कर स्वप्न में हमारा ये इंद्र काम नहीं करता, केवल मात्र मन, कौन सा मन, संस्कार जनित मन, उतना ही मात्र हमारा चेतन को घेर लेते हैं और तो अपने मन को भी सृष्टि करते हैं, यही है हमारा दृष्टि सृष्टि का, दृष्टि सृष्टि का संस्कार से हम उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। और स्वप्न नाम है भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य मेरा, जाग्रत दर्शनात् निवृत्तस्य जाग्रतवत अंत शरीर जो दर्शन, ठीक है ना, जाग्रत दर्शनात् निवृत्त, जाग्रत दर्शन से निवृत्त होकर के जाग्रतवत, जाग्रत के समान अंत शरीर जब दर्शन, और हो गया सब, यानी को सत्य नहीं हो सकता, ये इसको स्वप्न दो प्रकार के स्वप्न की परिभाषा को भाष्य से मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी भाष्यकार क्या बोलते हैं कि स्वप्न स्थान यश, यहाँ पे देखिए वहाँ पे आया स्वप्न स्थान पहला,
कि स्वप्न स्थान में क्या करेंगे, स्वप्न एवं स्थान स्वप्न स्थान ये हो जाएगा कर्मधारय समास, पर ये कहना अभिप्राय नहीं है। दिखाना किसको है, किसको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे श्रुति बताओ, वो तुरियो वो चेतन तत्व को बोध कराना यहाँ पे अभिप्राय है। तो स्वप्न स्थान के माध्यम से हम दिखा भगवान श्री कृष्ण को कहना चाहते हैं, तो कहते हैं पीत अंबर यस्य, तब वहां पे जाएगा पीला वस्त्र वाले जिसको हम दिखाने कहना चाहते हैं। इसी प्रकार स्वप्न स्थान के द्वारा यदि हम किसको दिखाना चाहते, चेतन को दिखाना चाहते हैं, तो ये स्वप्न स्थान है जिस चेतन का, जिसका बहुत कुछ समझ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे न कर्मधारय होगा न स्वप्न, स्वप्न में रहता ये भी नहीं है, स्वप्न स्थान है जिसका बहुत बड़ी समस्या, न कर्मधारय समस्या है और न आपका तत्पुर समस्या है, ये केवल मात्र हमें बहुत बड़ी समस्या पहले बोल के आया जागृत एक वजह, जागृत काल में भी यही बोल कर आया था, ठीक है ना। स्वप्न स्थान देखिए उसने भगवान भाष्य का लिखा कि यहाँ पे स्वप्न स्वप्न स्थान अस्य मतलब तेजसस्य, ये देखिए अस्य तेजसस्य योग यानी कि बहुबली समझ दिखा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, स्वप्निक वस्तु में अभिमान करने वाला चेतन है ना, अपनी कल्पित वस्तु में अभिमान करने वाला चेतन, ये हो गया आपका जिसका जो चेतन इस प्रकार इस उपाधि के साथ जो चेतन इस रूप में दिखाई पड़ता है, शुद्ध चेतन अंतकर्म उपाधि से इस रूप में दिखाई पड़ता है, अपनी मनोकल्पित वस्तु में अभिमान करता है। जागृत काल में तो कुछ व्यवहारिक सत्ता को लेकर के मैं विद्वान मैं बुद्धिमान मैं ये जानता हूँ, तो स्वप्न काल में कुछ नहीं है केवल मनोकल्पित संस्कार से उसका अभिमान करते रहते हैं। इसलिए आप बोलते हैं देखिए भाष्यकार लिख रहे स्वप्न स्वप्न मतलब स्थान अस्य तेजसस्य स्वप्न स्थान है ना, स्वप्न स्थान है जिसका, किसका, उस तेजस का, वो हो गया स्वप्न स्थान, मतलब बहुत बड़ी संस्कार में। सर्वे एते पुण्य लोक भवन्ति, वहां पे पुण्य लोक में पुण्य लोक है जिन लोगों का, ते पुण्य लोक, ये शब्द अर्थ निकालने के लिए समस्त अर्थ आपको समझना पड़ता है, यहाँ पे किस रूप में समास किया हुआ है। पुण्य लोक मतलब पुण्य लोक जैसा ते एवं पुण्य लोक, पुण्य लोक मतलब वो अच्छा लोक को लेकर नहीं बोलते हैं, पुण्य लोक को भोग करने वाला जो लोग है उसको बोलना चाहते हैं। सर्वे एते पुण्य लोक भवन्ति भागीदारी होते हैं, तो कहना चाहते हैं तीन आश्रम को, तीन आश्रम कहने के लिए उपलक्षण किसको लिया, सहारा किसको लिया, पुण्य लोक का सहारा लिया। इसी प्रकार कहना चाहते हैं सूक्ष्म शरीर चेतन को, इसलिए सहारा किसको लिया, सूक्ष्म शरीर का। इसलिए बोलते हैं कि स्वप्न स्थान तेजस स्वप्न स्थान स्थानम पूर्ववत, स्थान मतलब पहले जैसा कह कर आया, देखो आपने वहां पे बोला था कि जागृत अभिमानी चेतन, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं पूर्ववत का अर्थ अपने आप में लिखते हैं टीकाकार आनंद के लिए, द्रष्टुर मम अभिमानस्य विषय भूतम इति जानत, ठीक है ना, दृष्टा का जहाँ द्रष्टु मम अभिमानस्य, दृष्टु हम क्या करता है, मेरा 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 ही अभिमान करता है, ये हो गया आपका स्वप्न स्थान, मतलब दृष्टुर मम अभिमानस्य विषय भूतम, उसका विषय रूप में जो दिखाई पड़ता है वो अपना स्वप्निक वस्तु है। यहाँ भी अभिमान शब्द ही प्रयोग किया, ऊपर से मान्यता दी, समय हो गया, आज ही रखते हैं, ठीक है, कल तो कल पाठ है, परसों छुट्टी है, कल तो सप्तमी है, कल ओम पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक उस मंत्र को बोलना है, प्रज्ञा वैशाख भेद सुवित जल निधे वेदनान्तरस्थं भूतान्यालोकमर्णाय जनन प्राह भोरे समुद्रे कारुण्यानुददारामृतमिदं मम रयि दुर्लभं भूतये।
हेतो यस्तं भुजाभिपुरुषं परमगुरुनमो पादपादैर्नमः।